हेलो गाइस, इजी फूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं बनाऊंगी पोटैटो फिंगर्स, वो भी बेसन के साथ थोड़े डिफरेंट तरीके से। ये बहुत क्रिस्पी और करारे बनेंगे। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलूओं को फ्रेंच फ्राइज की शेप में कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इनको मैंने पानी में डाल दिया है ताकि इनका स्टार्च निकल जाए और ये काले ना पड़े। मैंने लिया है बेसन, ये 1/3 कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1/3 कटोरी ही मैंने लिया है चावलों का आटा। इनकी रेशो बिल्कुल समान होगी, जितना आपने बेसन लेना है उतना ही चावलों का आटा लेना है, क्योंकि इन पोटैटो फिंगर्स को क्रिस्पी बनाने के लिए चावल और बेसन की रेशो का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक खाली बाउल लिया है, इसमें हम डाल देंगे बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था, चावलों का आटा, इसको चला लेंगे। हम डालेंगे अब मसाले, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच चंकी चाट मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक घोल बनाएंगे। जैसे हम पकोड़े का घोल बनाते हैं ठीक उसी तरह से हमें एक घोल बनाना है। ये देखिए गाइस, मैंने एक सेमी थिक पेस्ट बना लिया है, सेम उसी तरह जैसे हम पकोड़ों का घोल बनाते हैं। आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं डालती क्योंकि मुझे ये ऐसे ही पसंद है। बस अब हमारा मिक्सचर तैयार है। तेल को हमने कढ़ाई में गर्म होने रख दिया है, तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गाइस, तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए, मैंने घोल में कटे हुए आलू को डाल लिया है। अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। गैस को हमने मीडियम टू हाई रखना है, लो पर नहीं करना है, वरना आलू सारा तेल पी जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। ये एक साइड से सिक गए थे, हमने इन्हें पलट लिया है। हम जब तक इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता। गैस को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार मीडियम और हाई कर लेंगे, जैसा हमें चाहिए। गाइस, देखा, इनको बनाना बहुत आसान है, ये सिर्फ 5-7 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं और इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत भी नहीं होती। आप इन्हें ज़रूर बनाइए, ये बहुत ही क्रिस्पी और आपको टेस्टी लगेंगे। ये डीप फ्राई हो चुके हैं, अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है, आपको इसी कलर में सेकने हैं इन्हें। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। गाइस, दूसरी बैच के पोटैटो फिंगर्स भी हमने डाल दिए हैं, ये भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। गाइस, गर्मा गर्म पोटैटो फिंगर्स बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने हैं, ये मेरी गारंटी है। आपने इसको एक बार बना लिया ना, तो आप इसको बार बार बनाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। मैं भी जब बहुत ज़्यादा कुरकुरा कुछ खाने का दिल होता है तो यही बनाती हूँ। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।